हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव, जो कि काफ़ी खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने का मन नहीं करता है, तो हम कुछ इजी में रेसिपी बना सकते हैं और टेस्टी भी। देखिएगा, ये आपके सामने दिख रहा है चिकन पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव चावल लिया और 1.5 पाव ही कुछ लिया है। मैंने एक पाव भगोना लिया, उसमें तेल डालकर 2 पोटी प्याज, 2 बड़े साइज़ की पोटी प्याज को बारीक कट करके इस तरीके से फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक और गरम मसाला, जो कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम ढककर थोड़ी देर तक पका लेते हैं। देखिएगा, ये टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसको हम भूनेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपने धुले हुए चिकन। चिकन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। चिकन भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही 2 बड़े टेबल स्पून लिया हुआ दही मैंने, ताकि चिकन का जो स्मेल है वो चली जाए। इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का आलू इस तरीके से कट करके डाल दिया है। चिकन पुलाव में आलू का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इन सभी को हम भूनेंगे हाई फ्लेम पर। इन सभी को भून लेंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे मीट मसाला। ये एवरेस्ट का मीट मसाला है, जो कि 5 रुपए की पैकेट आती है। मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें अपने चावल। चावल मैंने 1.5 पाव लिया हुआ है। अब इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं 2-3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। तेज़ फ्लेम पर ही हम इसको ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं डाला था। इसमें डालेंगे 1/2 नींबू, ताकि चावल हमारे खिले खिले से रहें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐसे ही डालना जैसे आप खिचड़ी या तायरी में लगाते हैं, कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। आपका चावल अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए, कच्चा भी ना रहे। अब इसको ढक देंगे हम बॉयल आने तक। ये देखिएगा, बॉयल आ चुका है। ये इसमें एकदम परफेक्ट पानी भी है। अब इसको इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी लगाने के बाद इसका फ्लेम लो करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से सीच जाए। ये देखिएगा, हो चुका है मेरा चावल। अब हम कुकर का ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हुए हैं। अभी इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे और इसके बाद सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। ये मैंने एक प्लेट में निकाल दिया, सर्व कर लिया है। देखिएगा कितनी बेहतरीन और कितनी जल्दी बन गया है ये चिकन पुलाव। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आगे न्यू वीडियो लेकर आ सकें आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा।